हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के लास्ट रिलेशन अल्टरनेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि हमारे जितने भी रिलेशन हैं वो इन्हीं डायग्राम से बनाए जाते हैं। तो अगर मैं अल्टरनेशन की पोजीशन की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेशन हमेशा लेफ्ट एज और राइट एज में लगाया जाता है। क्लियर है? यानी अल्टरनेशन का रिलेशन आप लेफ्ट एज से और राइट एज से निकालेंगे और इन्हीं दो एज से आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं, हमें पता चल गया कि लेफ्ट एज और राइट एज हमारे अल्टरनेशन के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से पहला टर्म्स आप क्या लगा सकते हैं, ये किनके बीच हो सकता है, ए और आई का, और दूसरा ई और ओ के बीच। क्लियर है? सेकेंड टर्म्स की बात करूँ तो हमें पता है कि ये वाला यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। क्लियर है? यानी मैं इसके नेचर से बात करूँ, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी से बात करूँ, तो आप अल्टरनेशन के बीच क्या देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर, ये भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच लगाया जाता है। तो पहला फॉर्म आप क्या बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच लगता है। क्लियर है? तो यानी पहला पॉइंट हम यहाँ से बना सकते हैं कि हमेशा ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच ही लगेगा। क्लियर है? लेकिन अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर आपने अल्टरनेशन को बोला ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर के बीच लगता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिलेशन था ये भी तो यूनिवर्सल, अगर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करूँ तो ये भी तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच लगता है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि ये भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में आपको पता है, इफ वन प्रोपोजिशन इज अफर्मेटिव देन सेकेंड मस्ट बी नेगेटिव, यानी पहला अफर्मेटिव है दूसरा तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहता था। लेकिन इस केस में भले यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो उसका जो रिलेशन पर्टिकुलर के साथ ये भी पॉजिटिव ही है, भले क्वांटिटी कम है, ये पूरा है, ये पर्टिकुलर को पार्शली भी बोल सकते हैं आप। एज इट इज ये भी यूनिवर्सल है, ये भी पर्टिकुलर है, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव तो पर्टिकुलर भी नेगेटिव। बात समझे? तो बस दोनों में अफर्मेटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, बाकी दोनों तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच लगता है, लेकिन बस बेसिक डिफरेंस ये वाला है। अब बात समझ में आ गई कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी से अल्टरनेशन अलग होता है। आगे आइए, अगर मैं इसके नोटेशन की बात करूं, जरा ध्यान से देखिए, ऑलरेडी आपको पता चल गया इसका नोटेशन क्या है। अगर मैं इसके नोटेशन की बात करूं तो इस अपने नोटेशन को यहां पे दो पार्ट में आप देख रहे हैं, तो हम भी इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिएगा जरा, पहले को आप देखेंगे कि ये ए और आई के बीच लगेगा, ये नोटेशन ध्यान में रखने वाली बात है, और सेकेंड वाले की बात करें तो ये ई और ओ के बीच लगता है। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर मैं इस टर्म्स को इसके प्रोपोजिशन का नाम दूं तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑल और आई का क्या होता है, सम, ये ऑल और सम के बीच बनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन ऑल का होगा तो हम सम का बनाएंगे। एज इट इज ई रिप्रेजेंट करता है नो को और ओ रिप्रेजेंट करता है सम नॉट को। क्लियर है? तो ये हमारा नोटेशन क्लियर हो गया अल्टरनेशन का। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑल दो ए आई और ई और ओ दोनों हमारा अल्टरनेशन का ही पार्ट है, यानी लेकिन अब चूंकि दो नोटेशन है तो इसे कैटेगराइज कर दिया गया इसके दो अलग अलग नाम से, यानी दोनों अल्टरनेशन है लेकिन पहले वाले अल्टरनेशन को एक नया नाम दिया गया जिसको सब अल्टरनेशन बोलते हैं। यानी अगर कोई नोटेशन ए और आई या फिर आई और ए के बीच लगता है तो उसे सब अल्टरनेशन बोलते हैं, तो इसके आगे आप सब लगा देंगे। क्लियर है? और दूसरे अल्टरनेशन को बोला गया सुपर अल्टरनेशन, लेकिन कुछ किताबों में इसके बारे में दोनों को सभी बोल दिया जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा पहले वाले को सब बोलना है, दूसरे वाले को सुपर अल्टरनेशन बोलना है, तो इससे हमें याद रखने में, उसे कैटेगराइज करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। क्लियर है? अब आइए, अब आपने इसके यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी देख लिया, नोटेशन भी देख लिया है, यानी कि अगर आंसर ई को क्वेश्चन ई का है तो ओ का बनाएंगे, ओ का होगा तो ई का बनाएंगे, एज इट इज इधर है। अब मैं इसके नेचर की बात करूं, नेचर यानी ट्रू और फॉल्स की बात करूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके नेचर में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इसे मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं नेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो कंडीशन बन के तैयार होता है, इन्हीं दो कंडीशन पे क्वेश्चन बनता है। पहला कंडीशन देखिएगा, ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन टू है, यानी क्वेश्चन या यूनिवर्सल से भी बनाया जा सकता है, पर्टिकुलर से भी बनाया जा सकता है, दोनों केस में। तो मैंने पहला कंडीशन वन बनाया जहाँ मैंने यूनिवर्सल से क्वेश्चन बना रहा हूँ, और दूसरा मैंने कंडीशन टू बनाया है जहाँ मैं क्वेश्चन पर्टिकुलर से बनाऊँगा।
क्योंकि एग्जामिनर के बाद दोनों ही काम है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर से। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना, नोट में देखिएगा। यूनिवर्सल का जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, ये बाय डिफॉल्ट या बाय द वे आप बोल सकते हैं, ये हमेशा ट्रू होता है। ये बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ट्रू होता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू बोलते हैं। एज इट इज अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा फॉल्स होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो भी है ये हमेशा ट्रू होता है। यूनिवर्सल को हमेशा ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता है और पर्टिकुलर को हमेशा फॉल्स। लेकिन अगर आप इसके नेचर में कुछ चेंज करते हैं तो आंसर पार्ट बदल जाता है। मैंने क्या कहा उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पर पहला कंडीशन मैंने ये बनाया कि मैं क्वेश्चन यूनिवर्सल से बना रहा हूँ, यानी या तो ए से बनाऊंगा या तो ई से बनाऊंगा। कहने का मतलब या ए या ई से, पर्टिकुलर से यानी आई से या ओ से। क्लियर है? ज्यादा ध्यान से सुनिए। प्रोपोजिशन वन, प्रोपोजिशन वन क्या कहता है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। और प्रोपोजिशन टू हमेशा आंसर का पार्ट होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन का पार्ट यूनिवर्सल से बना रहा हूँ, ठीक है, यह ध्यान से देखिए, तो आंसर किस में जाएगा, पर्टिकुलर में। अगर अब यहाँ पे नेचर देखिएगा, अगर क्वेश्चन मैं यूनिवर्सल से बना रहा हूँ और उसको एग्जामिनर ट्रू बोलता है तब तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू सही हो रहा है, तो पर्टिकुलर का भी आंसर ट्रू होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला को उन्होंने ट्रू बोला है तो नीचे वाला हमेशा ट्रू होता है। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल ट्रू भी होता है तो नीचे वाले को ट्रू बोल देता है। यानी जो ट्रू होता है उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई होता है, इसलिए तो यूनिवर्सल को हम ट्रू बोलते हैं। यानी जो बातें बाय डिफॉल्ट सही भी है और एग्जामिनर उसको ट्रू बोल भी रहा है तो नो प्रॉब्लम, नीचे वाला भी टर्म्स हमारा ट्रू होगा। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, गलती से अगर वो एग्जामिनर ऊपर वाले को फॉल्स बोल देता है, लेकिन आपको पता है फॉल्स का पोजीशन क्या होता है, नीचे, और जो लोग नीचे हैं अचानक वो बड़े से ओहदे में पहुँच जाए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो डाउट है, इतना जल्दी तो कोई ऊपर नहीं जा सकता है। तो यही केस यहाँ कहता है कि अगर यूनिवर्सल के आप फॉल्स बना रहे हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट होता क्या है, ये ट्रू, तो इस केस में जो पर्टिकुलर का जो आंसर होगा वो डाउटफुल चला जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस केस में इसका आंसर डाउटफुल होगा, या फिर इसको अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन भी बोल सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। ये चीज़ ध्यान में रखना कि यूनिवर्सल ट्रू है जो बाय डिफॉल्ट ट्रू भी होता है, तब तो आप नीचे वाले को ट्रू बोल देंगे पर्टिकुलर का कनोटेशन बना के, लेकिन ऊपर वाले को अगर आप यूनिवर्सल को फॉल्स बोल रहे हैं तो नीचे वाला डाउटफुल हो जाएगा दोनों केस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन बनाया ए से, मैंने इससे क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि ऑल एक्स इज वाई। क्लियर है? मैंने एक प्रोपोजिशन लिया और इसका नेचर को मैंने ट्रू बोल दिया, और आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऑल का है, यूनिवर्सल का है, यूनिवर्सल ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू तो होता ही है, नो प्रॉब्लम, सही है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो वही रूल कहता है कि यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा। तो पर्टिकुलर किसका बनाएंगे, ए का रिलेशन आई के साथ आप बना देंगे सम एक्स इज वाई, और इसको भी आप मानेंगे ट्रू। क्लियर है? ये नेचर का पहला कंडीशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर दूसरे में चलेंगे। एज इट इज इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं, यानी कि मैं इसी को ऐसे बोल दूं कि ऑल एक्स इज वाई इज फॉल्स। जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको फॉल्स कह दूं, अरे ये क्वेश्चन यूनिवर्सल का है और यूनिवर्सल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है लेकिन आप इसको फॉल्स बना रहे हैं तो आंसर इस केस में डाउटफुल हो जाएगा, या फिर अनडिफाइंड, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन आप लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल को आप फॉल्स नहीं बोल सकते लेकिन आपने फॉल्स बोला है, जो लोग सबसे टॉप में हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं, अगर आपने उसको फॉल्स बोला तो कुछ ना कुछ डाउट है, इसलिए हम उसको डाउटफुल कह देते हैं। समझा? एज इट इज आप यही क्वेश्चन नो से भी बना सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं कि नो एक्स इज वाई इज ट्रू तो नो प्रॉब्लम, ये भी सही है क्योंकि ये भी यूनिवर्सल है। ये क्वेश्चन नंबर टू मैं लिख दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो का आंसर सम नॉट से जाएगा। आप आंसर लिखेंगे इसका कि सम एक्स इज नॉट वाई, और ये भी आंसर ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू तो नीचे वाला भी ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आया? एज इट इज अगर मैं इसको फॉल्स कह दूं इस केस में तो आपको पता है तब इस केस में ये डाउटफुल हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला हमारा पहला कंडीशन था। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्रू हमेशा ऊपर होता है और ऊपर वाला नीचे वाले को ट्रू कह देता है। समझ में आया? ये पहला वाला कंडीशन मैंने देखा है, लेकिन अगर ऊपर वाले को आप ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, डाउटफुल है, इसलिए नीचे वाले को डाउटफुल कह देते हैं। ये पहला वाला कंडीशन मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन यूनिवर्सल का बनाता है, यानी ए से या ई से, लेकिन एग्जामिनर तो नीचे से भी बना सकता है। तो अब नीचे का करके देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं नीचे वाली बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, नीचे मैं पर्टिकुलर से बना रहा हूं, या तो आई से बनाऊंगा या ओ से बनाऊंगा। बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स होता है, जरा ध्यान से देखना। फिर से आपको पता है कि प्रोपोजिशन फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है और ये वाला पार्ट हमारा आंसर वाला प्रोपोजिशन होगा, जिसे आप स्टेटमेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर का क्वेश्चन वो बना रहा है, उसे फॉल्स बोल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस केस में, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें पता है कि ये हमेशा फॉल्स होता है, नीचे वाला पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स देता है। तो अगर ये फॉल्स लिखा है तो इसका आंसर यूनिवर्सल वाला होगा, यानी आई से क्वेश्चन बना रहे हैं तो ए से बनेगा, लेकिन ये भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उन्होंने पर्टिकुलर को फॉल्स बोला है, तो आप तो सही कह रहे हैं, तो आप आंसर जो यूनिवर्सल का बनाएंगे वो भी फॉल्स होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपने पर्टिकुलर को ट्रू बोल दिया तो जो पॉसिबल नहीं है, क्यों? ऊपर औहदे के लोग अगर नीचे आ रहे हैं, नीचे आप उसको देख रहे हैं, कुछ ना कुछ डाउट होता है, इसलिए नीचे अगर ट्रू होगा तो ऊपर वाले को ये डाउटफुल बोल दिया जाता है। बात समझ में आया? मैं क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन पर्टिकुलर से बना रहा हूँ, नंबर वन मैंने लिख दिया कि सम एम इज एन इज फॉल्स, ये हमने फॉल्स लिख दिया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट फॉल्ट होता है, सॉरी फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स सही है। तब इसका आंसर हम क्या बनाएंगे? चूंकि क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या है, तो आंसर किस में जाएगा? यूनिवर्सल में, तो आई का यूनिवर्सल ए बनेगा। तो आप लिख देंगे ऑल एम इज एन इज फॉल्स, क्योंकि नीचे फॉल्स तो ऊपर वाले को फॉल्स बना देगा। समझ में आगे बात? अब आइएगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि सम एम इज एन और इसको लिख दूं मैं ट्रू, यानी आप पर्टिकुलर का क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उसको आप ट्रू लिख रहे हैं, ये तो गलत है, आप नहीं कर सकते ऐसा। अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ डाउट है, तो इसलिए आप इसको डाउटफुल लिख कर देंगे। एज इट इज मैं अगर इससे क्वेश्चन बनाऊँ तो इसका भी देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ कि सम पी इज नॉट आर, मैंने लिख दिया और इसको मैंने फॉल्स लिखा, तो नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन भी पर्टिकुलर से है और एक पर्टिकुलर फॉल्स होता है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर ऑल से निकल सॉरी नो से निकल जाएगा, यूनिवर्सल से आप लिखेंगे नो पी इज आर, ये भी फॉल्स होगा, बिल्कुल सही है ये वाला कंडीशन। लेकिन अगर आपने पहले वाले को यानी पर्टिकुलर को सम पी इज नॉट आर लिखा है और इसको आप ट्रू मान रहे हैं, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट हमेशा फॉल्स होता है, लेकिन आप उसे ट्रू बना रहे हैं, नीचे वाले को ही ट्रू बना रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस केस में आंसर डाउटफुल चला जाएगा। क्लियर है? तो ये इसके नोटेशन में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बट मैंने आपको बेटर समझाने की कोशिश की है, तो आप ये इसको आप तरीके से करेंगे तो चीज़ें आसान से बन जाएंगी। ऑल्दो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन के PDF है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाले हैं, आप उसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।